स्वागत है आपका एबल एज हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका सोनू कुमार, फैकल्टी ऑफ बॉटनी। तो देखिए दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी अपनी बातें थी वो की थी कि किस तरह की यहाँ पर लीफ होती है वो पाई जाती है, कैसा इनका विन्यास जो होता है वो हमें देखने को मिलता है, इन सभी के ऊपर है वो हमने बातें हैं वो कर ली थी। अब हमें एकांतर कर्म के ऊपर बात है। अब हमें यहाँ पर चल अपोजिट कर्म के अंदर, यानी एक दूसरे के सम्मुख रूप से लीफ जो बनती है वो कैसी बनेगी, किस प्रकार की यहाँ पर संरचना होती है वो हमारी पाई जाती है, इनके ऊपर हमें बात है वो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपोजिट, यानी कि यहाँ पर लीफ है वो कैसी होगी। अपोजिट लीफ के बारे में कि लीफ अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, लीफ अपोजिट अरेंजमेंट, ठीक है। तो यानी कि इसका जो सम्मुख विन्यास होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार का पाया जाता है, इनके ऊपर हमें बात है वो करनी है। तो देखिए इस प्रकार की लीफ होती है वो दो, जो लीफ निकलती है ना, अपोजिट का मतलब है एक दूसरे की विपरीत क्रम के अंदर। तो यहां पर क्या होगा कि जो लीफ निकलेगी वो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत क्रम के अंदर पाई जाती है। वो देखिए यहां पर निकलने वाली लीफ एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के सामने पाई जाती है। एक दूसरे के सामने क्या होती है, यहां पर ये लीफ है वो हमारी पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो लीफ हमारी बनती है, पत्तियां जो बनती है वो एक दूसरे से क्या होती है, आपस में सामने की तरफ बनती है। तो देखिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम यहां पर अपने जो अपोजिट क्रोसित रूप में पाई जाती है उनके ऊपर है वो बात कर लेते हैं। तो क्रोसित लीफ विन्यास के ऊपर है वो हम बात करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जो क्रॉस की हुई लीफ मिलती है उनके ऊपर है वो हमें यहां पर बात है वो करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्रॉसित लीफ की पर बात करते हैं। तो यहां पर हमें पास क्या देखने को मिलेगा कि एक ही परव संधि के ऊपर लीफ होती है वो एक जोड़े के रूप में या समकोण पर बनती है। यहां पर जो लीफ बनेगी वो कैसी होती है, एक लीफ दूसरे लीफ के क्या होती है, समकोण पर पाई जाती है। समकोण का मतलब होता है कि वहां पर हमें कैसा देखने को मिलेगा कि 90 डिग्री का कोण होता है वो इन दोनों लीफ के बीच में है वो यहां पर रहता है, ठीक है। अब देखिए कैसा क्रम होगा, किस प्रकार का होगा, तो वो देखेंगे कि एक दूसरे, एक लीफ दूसरे लीफ के समकोण पर पाई जाती है, या फिर हम इस बात को ऐसे करें कि एक लीफ का नोड, जो एक लीफ का नोड दूसरे लीफ के नोड भाग से, नोड भाग क्या रहता है, समकोण पर रहता है। नोड भाग कहां रहता है, समकोण पर रहता है, ठीक है। इस भाग को ध्यान रखिएगा कि ये लीफ जो बनेगी वो एक दूसरे से किसके ऊपर बनती है, समकोण क्षेत्र के ऊपर पाई जाती है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का लीफ होगी वो यहां पर मिलेगी। अब यहां पर हम इसके ऊपर लीफ का बात करते हैं, लीफ का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह की लीफ होगी वो यहां पर इस तरह से हमारे पास यहां पर बनती है, ठीक है। ये हमारे पास एक लीफ बनी। अब देखिए दूसरी लीफ जो होगी वो इसके सामने की तरफ बनती है, यानी कि यह हमारे की तरफ कहां पर बनती है, इस तरह का क्रम होगा वो यहां पर होगा। फिर इसके बाद में हमारे पास जो लीफ बनेगी वो कुछ इसी तरह की बनती है।
यानी एक दूसरे के साइड में। पहली लीफ मान लीजिए हमारे पास कैसी बन रही है, ऐसी लीफ है वो इस तरह से पाई जाती है, तो दूसरी जो लीफ होगी दोनों तरफ जो लीफ बनती है वो ऐसी बनेगी, फिर इसके ऊपर इस तरह का। यहां पर देखिए हमारे पास जो कर्म बनता है यानी अपोजिट कर्म जो बनेगा वो कैसा होगा कि एक लीफ तो होगी वो पीछे की तरफ होती है और दूसरी लीफ जो होगी वो हमारी कहां होती है, आगे की तरफ पाई जाती है हमारी तरफ। फिर उसके बाद में दूसरी लीफ इसी तरह के कर्म के अंदर हमें फिर मिल जाएगी, इसी तरह के कर्म के अंदर हमें फिर मिलती है, और वो लीफ कैसी हो जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। तो एक दूसरे के ऊपर एकांतर कर्म के अंदर हमें देखने को मिलेगी। ये नोड भाग, ये पहली लीफ का नोड भाग है और दूसरी लीफ का नोड भाग, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, यहां पर 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां से लीफ यानी शाखा ब्रांच निकलना प्रारंभ होती है वहां से हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री का कोण होता है वो इनके मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या होती है, 90 डिग्री के कोण पर रहती है, जिसे हम क्रोसित कहते हैं। अब दूसरी होती है हमारे पास कि जो अपोजिट होगी वो सुपरपोज्ड के रूप से यानी अध्यारोपित कैसे हो सकती है। दूसरी लीफ जो यहां पर पाई जाती है वो होती है अध्यारोपित। ठीक है, ये अध्यारोपित यानी सुपरपोज्ड कैसे हो सकती है, इनके ऊपर बात करते हैं। तो एक पर्वसंधि जो यहां पर बनती है, एक पर्वसंधि पर बनी हुई लीफ दूसरे पर्वसंधि की लीफ के ऊपर ठीक ही क्या होती है, ऊपर की तरफ यहां पर पाई जाती है। मतलब कि क्या होगा, एक लीफ का नोड भाग दूसरे लीफ के नोड भाग से, दूसरा लीफ के नोड भाग एक दूसरे के क्या पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं। यानी बात से समझ गए होंगे कि एक लीफ जो बनी है वो और दूसरी लीफ, तो एक लीफ का नोड भाग दूसरे लीफ के नोड भाग से एक दूसरा क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर भाग पाया जाता है। मतलब यहां पर क्या होगा कि एक लीफ के नोड भाग से दूसरे भाग क्या होता है, ऊपर पाया जाता है। ऐसे लिख लीजिएगा कि ऊपर पाया नहीं जाता, नोड भाग ऊपर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा कोई लीफ है, ऐसे हमारे पास यहां पर कोई लीफ है वो हमें मिल रही है। तो ठीक है, इस तरह का हमारे पास ये लीफ है। अब देखिए यहां पर हमें कैसा कर्म देखने को मिलेगा कि यहां पर जो पाई जाने वाली लीफ होती है वो देखिए, मान लीजिए यहां पर हमारे पास इस तरह से होती है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ भी यहां पर कौन होती है, हमारी लीफ पाई जाती है। फिर इसके ऊपर की तरफ हमारे पास यहां पर भी क्या मिलती है, हमारी लीफ जो होती है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो लीफ बनी है, ये जो लीफ है वो देखिए कि एक लीफ का नोड भाग दूसरे लीफ के नोड भाग से ऊपर पाया जाता है। एक लीफ का नोड भाग दूसरे लीफ के नोड भाग के ऊपर पाया जाता है, एक लीफ का नोड भाग दूसरे लीफ नोड भाग के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कर्म बनता है, ये कर्म हमारा क्या होता है, एक दूसरे के अध्यारोपित कर्म के अंदर है, वो हमारे पास यहां पर ये संरचना है वो बनती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यही देखा कि एक दूसरे के वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर पाए जाते हैं, लेकिन दूसरा भाग था वो हमारे पास यहां पर कैसा मिलता है कि वो एक दूसरे के ऊपर है, वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास कैसी संरचना है वो यहां पर मिलेगी। तो सबसे पहले इनकी हम एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऐसी लीफ हमें कहां पर मिलती है, एग्जाम्पल देखें तो अमरूद के अंदर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा कि ये कहां पर मिलती है, अमरूद के अंदर मिलती है। और ऐसी लीफ होती है वो हमारे पास कहां पर मिलती है, आग के अंदर पाई जाती है, यानी आंकड़ा होता है उसके अंदर, यानी जिसे हम कैलोट्रोपस कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो लीफ होती है वो बनती है। अब हम चलते अपने
तीसरे राउंड की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे थर्ड लीफ यानी चक्करदार जो लीफ होती है, जो चक्रीय कंडीशन के अंदर यहां पर लीफ बनती है उनके ऊपर बात है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो बनने वाली जो लीफ होती है वो कैसे क्रम के अंदर रहती है, एक चक्करदार पर्ण विन्यास होता है वो यहां पर पाया जाता है, उनके ऊपर बात है वो करते हैं। चक्करदार पर्ण विन्यास जो होगा उसके ऊपर है वो हम यहां पर बात करेंगे कि कैसा क्रम यहां पर हमें मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए जो लीफ होगी वो क्या होती है हमारी, एक दूसरे के ऊपर की तरफ पाई जाती है। देखिए क्या होता है कि एक नोड भाग दूसरे नोड भाग के ऊपर क्या रहता है, चक्रीय क्रम में पाया जाता है, चक्रीय क्रम में पाया जाता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है हमारा यहां पर, चक्रीय क्रम के रूप में है वो हमारा यहां पर पाया जाएगा। तो ये संरचना हमारी किसकी मिलती है, एक इसकी मिलती है यानी चक्रीयदार क्रम की मिलती है। एग्जाम्पल के ऊपर बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कनेर का एग्जाम्पल, तो कनेर के अंदर क्या मिलता है कि एक भाग होगा वो दूसरे भाग के ऊपर एक चक्रीय कंडीशन के रूप में हमारे पास मिलता है। वो भाग हम यहां पर निर्माण करते हैं कि देखेंगे कैसा चक्रीय क्रम होगा वो हमारे पास यहां पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए कि चक्रीय क्रम का मतलब यहां पर जो लीफ पाई जाएगी ऐसे वो एक क्या होगा हमारे लिए आपस में एक चक्कर के रूप में पाई जाएगी। ये तो हमारे पास चक्कर हुआ, इसके जस्ट नीचे की तरफ जो लीफ पाई जाती है वो भी इसी प्रकार का चक्कर जो होता है वो यहां पर बनाए रखता है, यानी एक दूसरे के नीचे चक्कर बना। फिर यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि इस तरह का चक्कर यहां पर भी बनता है। तो देखिए चक्र के रूप में यहां पर मिलती है, जैसे बात कर लेते हैं यहां पर एक संरचना का निर्माण करते हैं तो हमारे पास कैसी संरचना ये देखने को मिलती है। जैसे देखिए मान लीजिए ये रहा हमारे चार लीफ का चक्र, यहां पर तो हमने तीन लीफ का बनाया, जैसे चार लीफ का बनाते हैं तो ये रहा, इसके जस्ट बाद में हमारे पास यहां पर भी क्या मिलता है, चार लीफ का चक्र ये मिला, ये फिर एक चक्कर मिलता है। तो ये जो आपस में चक्कर बनाया जाता है ना तीन तीन चार चार लीफ का, यही हमारे लिए क्या कहलाता है, चक्करदार पर्ण विन्यास है वो कहलाता है, ठीक है। ये तो बातें हुई कि चक्करदार पर्ण विन्यास कैसे होगा, किस प्रकार से इनका लीफ का विन्यास होता है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि इनकी जो आकृति होती है इनकी, सबसे पहले तो इनका उद्दीपन करते हैं कि किस तरह का इनका ओरिजिन होगा लीफ का। तो चलते हैं और बात करते हैं यहां पर ओरिजिन के ऊपर कि लीफ का ओरिजिन जो होता है वो कौन से भाग से होता है, किस तरह से किया जाता है लीफ का, या फिर ऐसे बोल दीजिए ओरिजिन ऑफ लीफ, लीफ का उद्भव कैसे होगा, किस तरह का उद्भव यहां पर पाया जाता है, इनके ऊपर हम बात है वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर लीफ के ओरिजिन के बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा हमारा कि लीफ एक दूसरे के ऊपर है और निश्चित क्रम में मिलती है, जहां पर ये मिलती है वो क्या होता है, नोड भाग होता है। कहां होगा, प्लांट पर लीफ नोड भाग पर क्या होती है हमारी यहां पर पाई जाती है, यानी कि नोड भाग का मतलब होगा कि जहां से पर्व संधियां निकलती है उस पर्व संधियों के भागों से अंदर हमारे पास क्या होता है यहां पर लीफ है वो मिलती है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है कि जहां से हमारे पास पादपों की अनेक वर्दियां देखने को मिलती है। नोड भाग होता है, इस नोड भाग के अंदर हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि प्लांट के विभिन्न भागों की क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को
मिलती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिला है कि ये अलग अलग प्रकार की यहां पर क्या होती है, हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जिससे बात करें कि यहां से ग्रोथ तो हमें देखने को मिली, और एक यहां पर क्या होगा, अनेक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर डिवीजन होना प्रारंभ करता है, तो क्या होगा कि नोड पर पाई जाने वाली कोशिकाएं, जो नोड भाग होगा पाई जाने वाली सेल क्या करती है, नोड पर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो अब क्या करेगी, डिवीजन करना प्रारंभ करती है। डिवीजन करना क्या करती है, यहां से ये प्रारंभ करती है। जैसे यहां पर इनका डिवीजन होता है, डिवीजन करना प्रारंभ करती है और क्या हो जाता है, हमारे पास लीफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर नोड क्षेत्र के अंदर जो लीफ सेल होती है वो क्या करेगी, धीरे धीरे अब यहां से डिवीजन करना प्रारंभ करती है, और जैसे ही डिवीजन हो जाता है तो वहां से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, लीफ होती है वो यहां पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार से हमें क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मल टिश्यू का निर्माण होता है। एपिडर्मल टिश्यू का, एपिडर्मिस का निर्माण होगा, ग्राउंड टिश्यू का निर्माण होता है, मेरिस्टेम भाग का यहां पर निर्माण होता है, मेरिस्टेम का निर्माण हो जाएगा, वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण है वो होता है, वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है। तो यानी कि यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि अलग प्रकार के जो यहां पर पाए जाते हैं हमें उनका निर्माण यहां पर देखने को मिला। जैसे जैसे नोड भाग आगे क्या करते रहेंगे, डिवीजन करते रहेंगे, उसी तरह से यहां पर भी क्या हमें देखने को मिलेगा कि एक सेल जो होती है वो आगे जाकर लीफ का निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनकी जो आकृति पाई जाती है, आकृति के अंदर हमें कैसी विभिन्नताएं देखने को मिलती है उनके ऊपर बात करते हैं। इस टॉपिक को आप थोड़ा सा क्या है, हमारे इस सिलेबस के अंदर ओरिजिन ऑफ लीफ के बारे में कुछ ही भाग दिया गया है, अलग अलग थ्योरी दी गई थी, लेकिन उस थ्योरी के अंदर हमें जाने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो थ्योरी कैसी है कि किसी ने मत दिया, ये मत स्वीकृति नहीं मिली, फिर उसके मत को स्वीकृति मिली, इसी तरह से वो मत आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने इतना ही ध्यान रखना है कि इनका लीफ का जो ओरिजिन होता है वो नोड भाग से होता है, वहां पर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो बार बार डिवीजन करती है, और डिवीजन करके वो क्या करती है, इनका लीफ का निर्माण करती है, जिससे लीफ के अंदर एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टमैटिक वेस्कुलर बंडल का निर्माण है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो भागे हमने देख लिया कि कैसे यहां पर इनका निर्माण है वो होता है, लेकिन यहां पर अब हमें देखना है कि लीफ की आकृति के आधार पर इनके अंदर क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है उनके ऊपर बात करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं लीफ की आकृति के आधार पर क्या हमें देखने को मिलेगा, यहां पर विभिन्नता देखने को मिलती है लीफ के अंदर, आकृति के आधार पर हमारे पास यहां पर क्या देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम इसको तीन भागों के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग आता है हमारा लीफ बेस का भाग, तीन भागों के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, लीफ बेस का भाग मिलता है, यानी पर्णधार जिसे हम बोलते हैं वो हमारा यहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये भाग तो हमारा कौन सा होता है, पर्णधार के नाम से इसको हम जानते हैं। दूसरा भाग होगा पीटियोल, जिसे हम प्रणवरंत कहते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा पीटियोल, जिसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, प्रणवरंत कहते हैं, यानी लीफ जिसके ऊपर लटकी रहती है।
फिर उसके बाद में हमारे पास आता है यहां पर प्रणफलक यानी कि लेमिना। थर्ड भाग होगा यहां पर लेमिना के ऊपर, यानी कि जो प्रणफलन होता है हमारा वो कैसा होता है, इनके ऊपर हमें यहां पर बात है वो करनी है। सबसे पहले लीफ बेस कैसा होगा, प्रणवधार कैसा होगा, पीटियोल कैसा होता है, लेमिना कैसा होता है, इनके ऊपर बात है वो यहां पर हमें करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर अपने जो आकृति के आधार पर इनका अलग अलग डिफरेंस मिलता है उनमें हम बात करते हैं लीफ बेसिस के ऊपर कि लीफ का आधार जो होगा वो यहां पर किस प्रकार का पाया जाता है, उसके ऊपर बात है वो करते हैं। तो सबसे पहले लीफ बेस के ऊपर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो लीफ बेस मिलता है उनकी संरचना हमारे पास कैसी मिलती है, उन सभी के ऊपर हमें बात है वो करनी होगी। तो देखिए लीफ बेस के ऊपर हम बात करें तो इस पत्ती का परिवर्धन सबसे पहले कहां से होता है, लीफ बेस से ही विकसित होता है, और इसीलिए इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि प्रणवरंत जो होता है उसको हम अलग से पहचान है वो नहीं कर सकते। कैसे होता है, जब देखिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जब लीफ का निर्माण होता है क्या होगा, लीफ का निर्माण होता है तो उस समय, ऐसे नहीं, लीफ का निर्माण, लीफ बेस से होता है, यानी लीफ किसका, लीफ आधार जो होता है लीफ बेस से होता है, उस समय जो हमने बातें किया ना यहां पर देखिए, जो यह प्रणवरंत यानी पीटियोल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर देखिए हमारे पास कि जो उस समय क्या कर सकते हैं हम यहां पर कि पीटियोल को, पीटियोल की पहचान करना क्या होता है, मुश्किल होता है। कि जब इस लीफ का निर्माण होता है यानी कि जब पत्ती बनती है उस समय इसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान करना इसकी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे की तरफ चलती जाती है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहचान है वो यहां पर कर सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम यहां पर मटर के पादप के अंदर, तो मटर का पादप होगा वहां पर जो प्रणाधार होता है वो हमें क्या दिखता है, फूला हुआ दिखता है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो मटर के ऊपर लेते हैं, अब मटर इसकी पहचान क्यों नहीं कर सकता, उनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए मटर में लीफ बेसिस भाग भाग क्या होता है हमारा, यहां पर फूला हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए लीफ के बारे में अभी देखेंगे कौन सा लीफ बेस होता है, कौन सा पीटियोल होता है, एक बार समझिएगा कि हमें लीफ बेस भाग होता है वो यहां पर फूला हुआ दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पुलविंस के नाम से भी जाना जाता है, इसे पुलविंस कहते हैं। यदि हमारे पास जो प्रणाधार होता है वो हमें यदि फूला हुआ दिखाई देगा तो हमारे पास कैसी संरचना यहां पर बनती है, तो वो पुलविंस के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये पुलविंस क्या होता है, वो होता है प्रणवरंत, प्रणवरंतल्य पर होता है, यानी कि प्रणवरंत का निर्माण है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब एक बीजपत्री पादप होते हैं ना उनके अंदर हमें यही देखने को मिलता है। तो देखिए मोनोकोट में, मोनोकोट में क्या होता है, हमेशा जो लीफ बेसिस होता है, जो हमारा लीफ बेस प्रणाधार होता है वो क्या होता है, हमेशा ही फूला हुआ रहता है, लीफ बेसिस फूला हुआ रहता है। यदि डाइकोट प्लांट के ऊपर हम बात करते हैं, द्विबीजपत्री तने के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे पास फूली हुई संरचना कभी कभी मटर के अंदर मिल सकती है, लेकिन एक बीजपत्री पादप के ऊपर जब हम बात करते हैं तो
तो एक बीजपत्री पादप के अंदर हमेशा ही हमें कैसा दिखाई देता है, वो एक फूली हुई संरचनाओं के रूप में, यानी एक फूला हुआ स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर बनता है। तो ये भाग हमारा क्या हो जाता है कि ये लीफ वेसिस के नाम से जाना जाता है, प्लूम्यून्स कहलाता है। लेकिन अब देखिए कि कभी कभी जैसे एक बीजपत्री पादप के अंदर हमारे पास पर्णाधार होता है, वो उनकी लंबाई यदि बढ़ती हुई दिखाई देती है, तने के घेरे हुए रखता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर लीफ स्लेथ के नाम से है वो हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहां पर लीफ की ब्रांच के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास यहां पर कैसी संरचना है वो बनती है। इस तरह की कुछ हमारे पास क्या होती है, लीफ मिलती है। इसकी संरचना को थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं ताकि हमें यहां पर संरचना जो होती है वो अच्छी तरह से संरचनाएं हैं वो यहां पर बन सके। कुछ इसी तरह की हमारे पास लीफ होती है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। एक बार इस लीफ की निर्माण है वो हम यहां पर करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कुछ एक ऐसी लीफ होती है वो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और ये जो भाग होता है ना यहां पर पाया जाने वाला, ये क्या होता है, हमारा बाहर की तरफ लीफ बेसिस का निर्माण है वो करता है, ठीक है। ये भाग ये है। उसके बाद में यदि हम यहां पर देखना चाहें तो ये जो हमने दिया है ये अलग नाम देंगे, इसको नाम अलग नाम से जानते हैं, लेकिन एक बार इसको हम अलग कलर से शो कर देते हैं ताकि हमें यहां पर पता रहे कि कैसी संरचना जो होती है वो यहां पर बनती है। और उसके बाद में हमारे पास ये होती है पर्णवरंत बीज के अंदर पाई जाने वाली, ठीक है। और यहां पर हमारे पास कुछ शिराएं होती है वो इस तरह से हमारे पास यहां पर मिलती है। ये कुछ हमारे पास इस तरह की लीफ होती है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले इस भाग के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास यहां पर कैसी श्रृंखला दिखती है। तो ये भाग हमारा कौन सा होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा इस भाग को कि यहां पर जो बनने वाली संरचना होती है वो कौन सी होती है, हमारी ये ब्रांच के नाम से जानी जाती है। ये भाग है हमारा ब्रांच यानी शाखा जिसे हम बोलते हैं वो है, ठीक है। जहां से ये निकला है, जहां से यहां से हमारे पास कुछ इस तरह की यहां पर क्या होती है, कुछ छोटी छोटी लीफें हैं वो भी यहां पर पाई जाती है। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो ये शाखा निकली होती है इस पॉइंट को हम यहां पर क्या बोलते हैं, एक्जिलरी बड के नाम से जाना जाता है। इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, अपना एक्जिलरी बड है वो कहते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एक्जिलरी बड। जहां पे ये ब्रांच निकलती है उन्हें हम स्टिप्यूल कहते हैं। जो ये यहां से ब्रांच निकली है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल के नाम से है वो हम जानते हैं। और ये जो बीच का रीजन जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का डार्क रीजन का, ये भाग हमारा क्या कहलाता है, हमारे पास पीटियोल कहलाता है, ठीक है। ये भाग हमारा पीटियोल कहलाता है। उसके बाद में चलते हैं और यहां पर देखिए जो बीच की लाइन दिख रही होगी आपको एकदम, जो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मिड रिब कहते हैं। ये भाग हमारे पास कैसा मिलता है, यहां पर मिड रिब के नाम से है वो जाना जाता है। और ऊपर की तरफ जो यहां पर संरचना बनती है इस संरचना को हम यहां पर क्या बोलते हैं, अपना मार्जिन बोलते हैं। और ये हमारे पास कौन सा भाग होता है, यहां पर एपेक्स भाग है वो पाया जाता है। मतलब ऊपर की तरफ भाग, फिर हमें मार्जिन मिलता है, फिर हमें मिड रिब है वो हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद में आपने कभी देखा होगा कि जो यहां से जो ब्रांच निकलती है वो कभी ऐसे टुकड़ों में भी बंट जाती है। इसे ऐसे यहां से ब्रांचेज है वो हमारी कुछ इसी तरह से यहां पर भी पाई जाती है। तो ये जो ब्रांच निकली है ना यहां से, मान लीजिए ये जो ब्रांच यहां पर एक अलग अलग भागों में हुआ है उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, अपना विंस के नाम से है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो ये भाग हमारा क्या होता है, यहां पर विनस के नाम से है वो हम इसको हम जानते हैं। तो देखिए ये संरचना है वो हमारे पास मिल गई कि कैसी संरचना यहां पर हमें एक जो लीफ की मिलती है वो हमें संरचना देखने को मिली है, ठीक है। ये तो था हमारा कि सबसे पहले हमारा लीफ बेस भाग कौन सा होता है। तो उसके ऊपर हमने देख लिया कि हमारे पास किस प्रकार की संरचना है वो हमें देखने को मिलेगी। अब हम सेकंड भाग की बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और
इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास कैसी कैसी संरचनाएं, कैसी कैसी शाखाएं हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इनके लीफों के आधार पर उनकी संरचनाओं के बारे में है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारी लीफ बनी। लीफ के आधार पर हमने देखा कि जो हमारा सबसे पहले देखिए कि लीफ बेस पीटियोल और लेमिना किसे कहते हैं। तो जो लीफ बेस ये रहा, नीचे की तरफ पाया जाता है, पीटियोल ये रहा, और यहां पर हमने लेमिना के बारे में है वो हमने बातें नहीं की है। तो लेमिना के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि कहां पर हमारा कौन सा होता है लेमिना भाग है वो यहां पर पाया जाता है। तो देखिए यहां पर कुछ ऊपर नीचे का भाग होगा जिसी भाग को हम यहां पर क्या बोलते हैं अपना लेमिना भाग है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये संरचना हमारे पास यहां पर क्या बनती है लेमिना ऑफ द लीफ ब्लेड के नाम से है वो भी हम यहां पर जानते हैं। यानी कि कैसी संरचना आपको एक बार यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो ऐसी ऐसी संरचना बनती है ना, ऐसी संरचना यहां पर लीफ की पाई जाती है, तो वो संरचना है वो ब्लेड के रूप में काम करती है, तो वही हमारी कौन सी होती है यहां पर पाई जाती है वो लेमिना के नाम से जानी जाती है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि लीफ के अंदर पाई जाने वाली जो ब्लेड नुमा संरचना होती है बाहर की तरफ उबड़ खाबड़ जो जगह बनती है वो किसका निर्माण या किसका फॉर्मेशन करती है, तो वो हमारे पास एक लेमिना का निर्माण है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अपने लीफ बेसिस के ऊपर कि लीफ बेसिस से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए कि जो लीफ बेसिस होता है उसके आधार से कुछ अतिवर्धियां निकली रहती है। क्या होगा देखिए, लीफ बेस से कुछ आउटग्रोथ निकलती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ आउटग्रोथ यानी जो अतिवर्दियां जो हमारी पाई जाती है ना वो अतिवर्दियां निकली रहेगी जिन्हें हम यहां पर क्या बोलते हैं स्टिपुल्स के नाम से जाना जाता है। आउटग्रोथ निकली रहती है जिसे स्टिपुल्स यानी स्टिपुल्स को हम यहां पर क्या कहते हैं अनुपरण कहते हैं। अनुपरण कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखा कि हमारे पास क्या मिली, कुछ आउटग्रोथ मिलती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं यहां पर स्टिप्यूल्स, या फिर हमें इसे हम अनुपरण है वो कहते हैं। तो हमने यहां पर देख लिया कि ऐसे हम क्या कहते हैं लीफ बेस के अंदर से हमारे पास कोई आउटग्रोथ निकली रहती है उस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं स्टिप्यूल के नाम से जाना जाता है। अब स्टिप्यूल तो इसे कह दिया, और ऐसी लीफ को हम यहां पर क्या कहेंगे जिनके अंदर स्टिप्यूल पाया जाता है, तो ऐसी लीफ को, ऐसी लीफ जो बनती है ना हमारे पास, उस लीफ को हम यहां पर क्या कहते हैं अपना कि वहां पर स्टिप्यूलेट के नाम से है वो जाना जाता है, स्टिप्यूलेट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या बनता है कि वो संरचना जहां से आउटग्रोथ निकली रहती है स्टिप्यूल कहलाता है, लेकिन जहां से ग्रोथ निकलकर क्या होती है हमारे पास जिस लीफ के अंदर ये ग्रोथ पाई जाती है वो लीफ हमारी क्या कहलाती है स्टिप्यूलेट के नाम से है, वो हम इस लीफ को अपने साथ जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये तो था हमारा कि कैसे प्रकार की लीफ होगी उसके अंदर लैब बेसिस पाया जाएगा। अब हमारे पास कुछ यहां पर नाम इंक्लूड होते हैं, उन नामों के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे क्या क्या हमारे पास लीफ बनती है, सबसे पहले आता है हमारे पास फ्री रेडिकल। हमारे पास कौन सा होगा यहां पर जो एकदम ही फ्री लेटरल रूप से पाया जाता है, यानी कि हमारे पास जो यहां पर बनेगा मुक्त पार्श्वीय भाग होता है वो यहां पर कैसा होता है कि दोनों ओर दो मुक्त पार्श्वीय भाग यहां पर पाए जाएंगे। उसका यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो गुड़हल लेते हैं। यहां पर हमारे पास कैसे होते हैं मुक्त पार्श्वीय भाग है वो पाए जाते हैं, मुक्त पार्श्वीय भाग यहां पर पाए जाते हैं। यदि इनके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें भाग पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो इनके अंदर मुक्त पार्श्वीय भाग होंगे वो हमारे पाए जाएंगे। तो इसके अंदर एग्जाम्पल जो आता है वो हमारा कौन सा आता है गुड़हल आता है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर फिर यदि हम कोई एक और देखें फ्री लेटरल के रूप में, यहां पर देखते हैं कि एडिनेट कैसे होता है यानी कि संलग्न कैसे होता है,
सलंगन के ऊपर है वो हम यदि यहां पर बात करते हैं तो सलंगन की बात करें तो एक दूसरे के साथ कुछ दूरी के ऊपर है वो दो पार्श्वीय भाग क्या रहते हैं सलंगित रहते हैं। कुछ दूरी के ऊपर, कुछ दूरी पर क्या होते हैं, दूरी पर पार्श्वीय भाग जो होगा हमारा पार्श्वीय भाग क्या रहता है सलंगित रहता है, सलंगित रहता है। यदि इस पार्श्वीय भाग के ऊपर सलंगित रहता है तो इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं यहां पर तो एग्जाम्पल हमें कौन सा मिलता है अपना गुलाब का एग्जाम्पल है वो हमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले फ्री लेटरल के रूप में हमने देखा था कि यहां पर हमारे पास कैसी संरचना मिलती है उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारी मान लीजिए एक फ्री लेटरल रूप में है वो हमारे पास कुछ इस तरह की लीफ होगी वो यहां पर पाई जाएगी। तो ये लीफ जो बनती है वो ये लीफ कौन सी होती है हमारी यहां पर देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं क्योंकि आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा लीफ की संरचनाएं वो क्या होती है। इस तरह की हमारे पास मान लीजिए कोई लीफ बनी है और यहां पर इसका पार्श्वीय भाग होगा तो ये लीफ हमारे लिए कौन सी है अब यहां पर फ्री लेटरल भाग है वो यहां पर पाया जाता है। ठीक है तो ये भाग हमारा कौन सा है फ्री लेटरल है। उसके बाद में अडिनेट के ऊपर यानी पार्श्वीय भागों को संलग्नित भागों के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास देखिए कि यहां पर भी हमारे पास जो लीफ पाई जाएगी वो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होती है एक दूसरे के साथ है वो संलग्नित हुई संरचना है वो यहां पर बनती है। यानी कि यहां पर जो लीफ निकलेगी वो कैसी होगी एक दूसरे से यहां पर जो संलग्नित हुई लीफ होती है वो यहां पर इस तरह की क्रम के अंदर पाई जाएगी। तो ये जो क्रम होता है वो हमारा कैसा हो गया यहां पर एक संलग्न के रूप में है वो पाया जाता है। ठीक है इसी के साथ साथ यहां पर हमारे पास मान लीजिए एक आता है इंटरपीटियोल जिसके अंदर लीफ होती है वो चक्रीय क्रम के अंदर मिलती है। तो ये हमारा कौन सा हो गया ये हमें हमने बातें की थी उसके ऊपर जो हमारा कौन सा है संलग्न वाला भाग है वही भाग हमारा ये रहा संलग्न के रूप में हमारे पास जो लीफ बनती है वो ये रही। इसके बाद में यदि हम देखें तो हमारे पास आता है इंटरपीटियोलर के रूप में बात आती है तो यहां पर हम किसके बारे में बात करते हैं यहां पर इंटरपीटियोल के ऊपर है वो हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि लीफ जो होगी वो एक चक्रीय क्रम के ऊपर पाई जाए यहां पर लीफ है तो वो लीफ अब कहां पर होगी हमारे इस तरह से बाहर की तरफ एक आवरण होगा वो यहां पर पाया जाएगा। तो एक चक्रीय आवरण जो होता है वो इस लीफ का यहां पर बनता है तो ये लीफ होती है हमारी कौन सी इंटरपीटियोल के नाम से इसको हम यहां पर जानते हैं। तो ये दोस्तों था हमारा बेसिस के आधार पर कि इनका बेस कैसा होगा उनके आधार पर हमने इनकी संरचना देखी है। अब बात करेंगे आगे देखिए बेस के आधार पर हमने देखा कि कैसी संरचना यहां पर मिलती है अब हमें पीटियोल के बारे में देखना है और लेमिना के बारे में है वो बातें करनी है कि कैसे हमारे पास यहां पर संरचना जो बननी है वो कैसे होगी। तो बेसिस के आधार प्रणाधार के ऊपर बात कर ली अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं वहां पर हम बात करेंगे प्रणवरंत के ऊपर। तो दोस्तों मिलेंगे प्रणवरंत के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।